जी राजस्थान न्यूज के विशेष कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात करेंगे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की। झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो ये एक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और पिछले 3 बार से लगातार कद्दावर कांग्रेस नेता सीसराम ओला के पुत्र विजेंद्र ओला यहाँ से जीतते आए हैं और 2 बार मंत्री बने हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके जो कार्यकाल है 5 साल का कार्यकाल या फिर 15 साल का कार्यकाल वो कैसा रहा और आगे वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। शहर की बात करें या फिर गाँव की बात करें या फिर जिला मुख्यालय, क्योंकि झुंझुनू विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जिला मुख्यालय पे है, तो जिला मुख्यालय पर विकास के क्या काम हुए, क्या अधूरे रहे और लोगों का उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानेंगे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए चलते हैं हम झुंझुनू विधानसभा की सीट पर, जहाँ पर जानते हैं विधायक विजेंद्र ओला के कार्यकाल के बारे में। नेताजी के एग्जिट पोल में हम बात कर रहे हैं आज झुंझुनू के विधानसभा क्षेत्र की और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में अब हम एक दवा की दुकान पर मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं जो 5 साल का कार्यकाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे झुंझुनू विधानसभा में। झुंझुनू विधानसभा में 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले में सड़कें, नाली और चिकित्सा हर क्षेत्र में काम हुए हैं। कोई ऐसा काम जो बाकी रह गया हो या एक काम ये ओवरब्रिज का रहा है, वो अगले साल अगले सीजन में जब भी गवर्नमेंट रिपीट होगी कांग्रेस की तब काम हो जाएंगे। क्या मानते हैं आगे क्या टक्कर रहने वाली है, क्या स्थिति रहने वाली है? वन साइड है झुंझुनू में कांग्रेस, श्री विजेंद्र जी ओड़ा झुंझुनू शहर में लीड लेंगे, पूरी विधानसभा से 50-60 हज़ार वोटों से लीड लेंगे विजेंद्र जी ओड़ा और चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी है, क्या माहौल मानते हैं और 5 साल का जो कार्यकाल है विजेंद्र ओला जो विधायक है मंत्री भी है क्या मानते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका और अब वन साइडेड है, कोई सामने नहीं है। कारण? कारण क्या, काम किया इन्होंने खूब, यहाँ पंचायतों में भी किया, गांव में भी किया, हर जगह किया, शहर में भी खूब किया है। झुंझुनू में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है हमारे सामने। तो आप बताएं कि 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। क्या खास बात रही कार्यकाल में? सारे काम किए इन्होंने, सबसे बढ़िया काम किए झुंझुनू में। और सबसे मेन तो ये देख लो, मेडिकल कॉलेज, लोगों को जाना पड़ता था जयपुर, अब थोड़े दिनों में किसी को जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, सारे काम यही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है। आप बीडीके हॉस्पिटल के सामने हैं, दवा की दुकान है, तो क्या मानते हैं कि बीडीके हॉस्पिटल की सुविधाओं में इजाफा हुआ है या फिर जो सुविधा सरकार दावा कर रही है वो मिलती है क्या? नहीं, मिलेगी और मिल भी रही है, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन लोगों को मतलब जयपुर भागना पड़ता था ना, वो टेंशन खत्म हो जाएगी लोगों की। बहुत बढ़िया सुविधा दी है। आप बताएं 5 साल शानदार, क्या खास बात है? सारी खास बातें जैसे कांग्रेस सरकार की 5 साल शानदार रही, जानदार रही। और अशोक गहलोत के जो योजनाएं हैं वो क्या इफेक्ट करेगी चुनाव में? बिल्कुल। कौन सी योजना? 10 गारंटेड योजना इफेक्ट करेंगी। ये थे हमारे साथ कुछ झुंझुनू विधानसभा के लोग, जिन्होंने जो स्थानीय विधायक है विजेंद्र ओला, परिवहन मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल को अच्छा बताया और कहा है कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसके बनिस्पत उन्हें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आगामी चुनाव में मिल सकता है। अब हम पहुंचे हैं एक चाय की दुकान पर जहां पर कुछ युवा बैठे हैं हमारे साथ। सर बताएं 5 साल के कार्यकाल को राज्य सरकार की या स्थानीय विधायक को क्या कहेंगे? स्थानीय विधायक का तो पता नहीं, मैं तो मंडावा विधानसभा से हूं, तो वहां पे अपने अभी नरेंद्र जी खिचड़ हैं, उनको टिकट मिली है, कांग्रेस की अभी कोई फिक्स नहीं हुई, काम दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता चुनाव में। क्या मुद्दे मानते हैं 5 साल में राज्य सरकार की? रीट परीक्षा पेपर लीक में भी काफ़ी रहा और देखो वो दोनों एक ही है, अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो वो वैसे करते हैं, दोनों बराबर ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आगामी जो सरकार यदि आती है तो क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए वो अग्निवीर कर दिया आर्मी को, उसको 15 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए युवाओं को, बेरोजगारी बहुत हो गई है उसके लिए। बस पेपर लीक हुए हैं, इन पर भी सख्ती होनी चाहिए आगामी सरकार से। वही
जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उनको तो कोई फल मिल नहीं रहा, और पैसे दे के वो लगे हुए हैं, बस वही बात है। उसमें सख्ती होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये काम कर रहे हैं उनको जेल होनी चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ और भी हैं, कौन से विधानसभा से हैं आप? झुंझुनू के जो विधायक हैं, मंत्री भी है विजेंद्र ओला, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल को उनको देखते आ रहे हैं, कितने साल हो गए आज से उन्हीं का कार्यकाल देख रहे हैं हम, तो जब छोटे थे तब से उनको ही देख रहे हैं भाई। कांग्रेस आ रहे हैं झुंझुनू में, उनको मतलब क्या है, उनके फिक्स वोट रहते हैं यहाँ पे झुंझुनू में, कि उनको कोई तोड़ने वाला तो है नहीं। और उनके टक्कर में फिलहाल अभी चल रहे हैं राजेंद्र बाम्बू और निशित वो बबलू चौधरी, अपना अच्छा काम करिए, अभी जो अच्छा करेगा उसको मिलेगा भाई इस बार तो पार्टी में। कौन आते हैं अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वैसे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो कम ही है मेरा, मैं तो देखता नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करता नहीं देखो, लेकिन देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं सरकार से? वैसे मैं पर्सनली तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन एज ऐसे वैसे बात करें पब्लिक तौर पे तो कि मतलब सबका भला होना चाहिए, जो अपनी सिटी है उसको भी ऊपर, मतलब एज स्मार्ट सिटी चल रहा है आजकल, स्मार्ट सिटी अभियान चल रहा है, तो झुंझुनू को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उनका कुछ योगदान दिया जाना चाहिए। जैसे अभी मंत्री अपने विजेंद्र ओला है, उन्होंने फिलहाल जो रोडवेज वगैरह उन्होंने बोला कि हम हर गाँव में रोडवेज पहुँचाएंगे, उन्होंने नहीं किया ये काम, करना चाहिए था बकायदा। हम तो सोच रहे थे भाई हमारे गाँव में भी रोडवेज वगैरह आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलना चाहिए अगर वो अगली बार उनकी चुनाव सरकार आती है तो फिर वो ये काम जरूर करें कि हर गांव हर क्षेत्र में मतलब रोडवेज की व्यवस्था की जाए हर जगह। कुछ हमारे साथ और लोग भी हैं सर, झुंझुनू विधायक के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? करीब 15 सालों से वो लगातार विधायक है, दो बार मंत्री रह चुके हैं, तो क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं, सब कुछ अच्छा ही किया है कांग्रेस सरकार ने। हमारे गाँव में तो मेडिकल कॉलेज आ गई, खूब विकास कार्य किए और अच्छा ही करेंगे, आगे भी ये अनुमान है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। झुंझुनू शहर से साथ लगता गांव है आपका, तो क्या मानते हैं कि झुंझुनू शहर में भी विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? बिल्कुल हुआ, साफ सफाई भी है, सभी लोग संतुष्ट हैं, विकास के काम भी खूब हुए हैं। बस ये थोड़ा सा जो युवा है बेरोजगार है उनके लिए कुछ अन्याय हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा ठोस कदम करे कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए अन्याय नहीं हो और जो मेहनत करे वो बच्चा लगे। बात करें विपक्ष की, तो आप विपक्ष में किसको मजबूत तौर पे देखते हैं? विपक्ष में अगर राजेंद्र भांबू को टिकट मिलती तो टक्कर होती, अभी तो एक तरफा विजेंद्र ओला का ही। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, 5 साल के विजेंद्र ओला जो विधायक है स्थानीय है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 15 साल से लगातार विधायक नहीं, ठीक है, संतुष्ट है जनता। विजेंद्र ओला का जो 5 साल का जो कार्यकाल है उससे जनता संतुष्ट है, संतुष्ट है जनता, और उससे कर्मचारी भी संतुष्ट है, कांग्रेस राज में कर्मचारी भी संतुष्ट है, खूब संतुष्ट है। कारण क्या है, क्या खास बातें हैं उनके कार्यकाल की, क्या क्या काम करवाए? उन विकास के सारे काम करा रहे हैं, प्रत्येक गांव में करा रहे हैं, गली गली में करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, बहुत अच्छा काम, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव भी नहीं है उनके। ये तो क्या मानते, विपक्ष है या नहीं है या केवल विजेंद्र ओला? विपक्ष तो है, लेकिन ये टिकट सही नहीं मिटी, कहूँ बीजेपी से टिकट सही नहीं मिटी। टिकट का यदि बंटवारा सही करते तो विजेंद्र के सामने टक्कर जरूर हो जाती, चुनाव तो हार जीत तो भाई एक अलग बात है। किसको मिलते टिकट? मेरा जहाँ तक आकलन है कि मतलब यदि गुड्डू को टिकट देते ने तो टक्कर बनती बढ़िया बढ़िया, आप भी ना मिलो ये भामू जी टक्कर में आएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, खुद चाय बनाने वाले भाई साहब हैं, सारे दिन भर यहाँ पर राजनीतिक बातें होती है, क्या माहौल है और विजेंद्र ओला के कार्यकाल को लेकर लोग क्या कहते हैं? देखो कार्यकाल तो सही है वैसे, लेकिन जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है यहाँ पे, है कि नहीं? देखो अभी सामने देखो आप, नाली का है, कचरा वचरा सब इधर छोड़ दिया है, वो साफ सफाई के मामले में यहाँ कोई वैसे नहीं है, है कि नहीं? आपने शिकायत की, कोई शिकायत सुनता नहीं? आते हैं दो मिनट चले जाते हैं, फिर क्या, शिकायत करते हैं आते हैं, आने के बाद में वो अपना वो ना टाइम पास करके चले जाते हैं। कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और विकास के काम भी नहीं हुए या साफ सफाई ही करा? नहीं नहीं, विकास के काम तो जैसे हुए है, विकास तो हुआ है, अभी ये नाली वहाँ से आ गई है कि नहीं, और बढ़िया रोड हो गई यहाँ पे चारों मेर से, अच्छा काम हुआ है वैसे, देखो विकास तो हुआ है, 10 साल के अंदर हुआ है विकास, तो 10 साल से विकास ही विकास हो रहा है। राज्य सरकार ने कई योजनाएं दी है सबके लिए, आपको कौन सी योजना का फायदा मिल रहा है और क्या मानते हैं कि वो योजना कामयाब होगी? नहीं नहीं, कामयाब है योजना तो, अभी ये जो राशन देते हैं, मोबाइल दिया है, वैसे सब अच्छा ही काम किया है, देखो
गवर्नमेंट ने तो अच्छा ही काम किया, लेकिन जो है ना कर्मचारी वगैरह ये है ना, ये सही काम नहीं करते, इन पे वो अंकुश नहीं है सही। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं सर 5 साल के कार्यकाल के बारे में। साहब कहने को विकास है, बाकी नाम का विकास है। विकास ऐसा होता है जैसे 20 साल पहले जो बने हैं मंत्री जी, वैसा कार्यकाल के साथ हुआ भी नहीं। आप ये रोड है, पहले यहाँ नाली यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, इसको आने आने में 15 साल लग गए। शहर की सफाई देखो, वहाँ पे टॉयलेट था वो बंद हो गया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ आप शहर को देख लो, चारों तरफ से जाम हो रखा, जहाँ मन मर्जी हो वहाँ रास्ता खोल दिया, जहाँ मन मर्जी हुई वहाँ रास्ता बंद कर दिया। यहाँ पे हम रास्ता के लिए गए थे पोस्ट ऑफिस का और बैंक के लिए, उन्होंने उनके दो मीडिएटर बैठते हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये तो बीजेपी बोर्ड से बना हुआ है इसलिए हम नहीं खोलेंगे। ये तो नगर परिषद की बात हुई ना, इसमें मंत्री जी का या विधायक जी का क्या रोल क्यों नहीं? हम जिसलिए इस रास्ते के लिए गए थे उनके पास विधायक जी के लिए, तो विधायक जी तो बोल नहीं रहे हैं, उनके जो नीचे बैठे रहे हैं लोग वो बोलते हैं कि ये तो बीजेपी बोर्ड से बना हुआ है इसलिए हम नहीं खोलेंगे। क्यों? वहाँ पे बीजेपी बोर्ड नहीं है, यहाँ पे बीजेपी बोर्ड लगा हुआ है। और कार्यकाल को लेकर क्या है, कामकाज कैसा रहा, कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, अगर काम होता तो शहर आज जैसे सिकर बड़ा हुआ है, और भी सिकर जिले बड़े हैं वैसे बढ़ना चाहिए था। आज झुंझुनू बहुत पीछे रह गया, 15 साल पीछे रह गया। क्या होना चाहिए था? डेवलप होना चाहिए था। आज जैसे अपने रास्ते को मान लो, शहर को बढ़ाना चाहिए था। शहर को क्या बढ़ाने का मतलब ये होता है कि शहर के जो 10-15 किलोमीटर का एरिया है उसको शहर में जोड़ा जाए, गाँव को वो तो जोड़ा नहीं लेकिन वार्डों को टुकड़ा कर दिया। जैसे मैं 24 नंबर वार्ड से, तो मेरे वार्ड के 4 टुकड़े कर दिए, इसे विकास थोड़ी कहेंगे अपन, इसको शहर डेवलप थोड़ी कहते। विकास का मतलब जो गांव से 15 किलोमीटर का एरिया है वो बड़े, साधन को खूब आने जाने का रास्ता हो, रात को अपने टेम्पू नहीं मिलता है, जो मिलता है वो 100-150 भाड़ा मांगता है, इसे विकास थोड़ी कहेंगे अपन। सुविधा मिलती है उसे विकास कहते अपन। ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है, विधायक बिजेंद्र ओला जो मंत्री भी हैं उनके कार्यकाल को लेकर कुछ लोगों ने संतुष्टता जाहिर की है तो कुछ असंतुष्ट भी है। अब आगे देखते हैं कि क्या झुंझुनू विधानसभा के लोगों को इस बारे में कहना है। अब हम पहुंचे हैं फूलों की दुकान पर, और चुनाव में इन पर जब सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है कि नेताओं को माला पहनाने वाले लोग यहाँ से माला खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। इस बार किस पे फूल बरसने की संभावना है, किसको माला ज़्यादा पहनाई जा रही है? विजेंद्र जी को। 5 साल के कार्यकाल को क्या कहेंगे विजेंद्र जी? बढ़िया काम किया है। क्या क्या काम किया है? स्कूलों का काम किया है। क्या क्या? स्कूलों का और कमरे बनाने और प्याऊ वगैरह है, ये बहुत जगह उद्घाटन किया, खूब माला पहनाई है। गांधी पार्क के बाहर आपकी दुकान है तो गांधी पार्क का भी संवारा है, इसके अलावा और मुख्य बाजार है ये, यहाँ पर क्या विकास हुआ? अच्छा, पार्क का विकास हुआ ना, और पार्क का हुआ तो शोर तो अच्छा। गहलोत सरकार ने भी कई योजनाएं लाई है, कोई योजना का आपको लाभ मिल रहा है क्या? और मिल रहा है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अन्नपूर्णा का मिल रहा है, मोबाइल बटे में दवाएं फ्री हो रही है। और जानते हैं हम, फूल विक्रेता ही हैं ये, 5 साल का विजेंद्र जी का कार्यकाल के बारे में। बढ़िया ही है। क्या क्या काम हुए हैं? सभी काम हुए, लाइट का, पानी का, सड़कों का, स्कूल का, खूब गृह काम। क्या मानते हैं आगे और कोई क्या क्या काम होने चाहिए शहर के विकास को या जनता के विकास को? काम बढ़िया हो रहा है, सोरे काम तो बढ़िया हो रहा है, अभी और भी विकास होना चाहिए। कौन टक्कर देगा विजेंद्र जी को? बाम्बू जी। हाँ, कि 5 साल का विजेंद्र ओला के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? उनका कार्यक्रम अच्छा ही रहा है 5 साल, पिछले 15 सालों से वो विधायक हैं झुंझुनू के और 2 बार मंत्री भी रहे हैं, उस हिसाब से विकास हो पाया नहीं हो पाया? विकास हुआ है, हुआ है विकास। आपकी जो दुकान है वो एक नाले पर है, सफाई को लेकर क्या कहेंगे? नाले पे दुकान है तो सबको पता है, और कभी मदद की जरूरत पड़ती है तो जाते हैं, मदद मिलती है हमें, कभी दिक्कत आती है तो सुनवाई होती है, यानी विधायक जी सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। और लोग यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं, आप बताइए 5 साल का विजेंद्र ओला के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया काम है साहब, काम करते हैं, करवाते हैं, और जो भी जो मांग रखते हैं
जो काम पड़ता है तो जाते हैं, वो काम कराते हैं हमारा। उनका बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया सहयोग है उनका, आदमी बढ़िया है। उनका बोर्ड भी मैं तो लगाए रखता हूँ 24 घंटे, बोर्ड भी लगा के रखते हैं ऊपर, बोर्ड लगा रखता हूँ। आचार सहायता से पहले पूरे प्रचार भी करता था 3-4 महीने तक लगातार। बढ़िया आदमी है, ग्राहक आगे, ग्राहक आगे इनके ये जा रहे हैं, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र ओला के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? ठीक ही है वो भी, लेकिन बाम्बू जी भी बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे। बीजेपी को देखते हैं ना, बाम्बू जी है ना, बढ़िया काम करते हैं। आम आदमी नहीं सुनते हों और बढ़िया काम करते हैं। और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वैसे कोई विशेष पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अशोक गहलोत भी बढ़िया काम कर रहे हैं फिलहाल। अशोक गहलोत ने ऐसा कौन सा काम बढ़िया किया जो आपको सबसे अच्छा पसंद है? अशोक गहलोत ने बढ़िया में जैसे 500 रुपये में जो गरीब महिलाएं उनको सिलेंडर दे रहे हैं, और मोबाइल भी दिया है, फूड पैकेट भी दिया है, इसलिए गरीबी को देखते हुए वो धरातल के ऊपर बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और लोग हैं, आप बताओ विजेंद्र ओला के कार्यकाल को लेकर, शहर में रहते हो आप, यहाँ पर क्या सुनने को मिलता है, कैसा कार्यकाल है? बढ़िया कार्यकाल है। क्या क्या बोलते हैं लोग उनके कार्यकाल के बारे में? नहीं, सही बताते हैं, अच्छे आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, सबके सुनते भी है। बामू जी भी बढ़िया आदमी है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं। बीजेपी ने तो बबलू को दे दिया टिकट, अब क्या रहेगा? अब देखो, निर्दलीय में बामू जी भी खड़े हो रहे हैं, बबलू चौधरी को टिकट मिली, अब वो चुनाव माहौल का भी कुछ ही नहीं पता देखो, लेकिन हो जहाँ तक तो बबलू चौधरी को टिकट मिली तो वो आ सकते हैं। यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर भी हमें देखने को मिली, कुछ लोगों ने विजेंद्र जी के कार्यकाल को अच्छा बताया तो कुछ लोगों ने भांबू को एक सशक्त उम्मीदवार बताया, तो बीजेपी को भी कमजोर आंख के नहीं चल रहे और बीजेपी को भी एक मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। और अब हम आखिर में पहुंचे हैं गांधी चौक, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहां के जो विधायक है विजेंद्र ओला, जो मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल को लेकर इनका क्या कहना है? आप मुख्य गांधी चौक में मौजूद हैं, आप बताएं कि कैसा कार्यकाल? आप ही बताओ। नहीं, आप बताओ। ये बताएंगे। हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस कांग्रेस राज से, बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपहरण, सिर्फ अफसरों के तिजोरियों से 2.5-2.5 करोड़ रुपए के किलो सोना मिलता है, तिजोरों में इनके माल पड़ा। राजस्थान को 41वें नंबर कर्जदान पे घोषित कर दिया इन्होंने, सिर्फ लूट कसोट के सिवा कोई काम नहीं किया। 5 साल में एक कुर्सी बचाने के लिए लड़ा, एक कुर्सी पाने के लिए लड़ा है, और कोई काम नहीं किया राजस्थान के अंदर, सिर्फ लूटा है। अमलियों को पूरी छूट दे रखी है लूट की, लूटो और खाओ जनता को, जनता का कोई मालिक नहीं है। कोरोना में यहाँ जनता मर रही थी या होटलों के अंदर घूम रहे थे, मेरा यही कहना है। विजेंद्र ओला का कार्यकाल क्या कहेंगे? विजेंद्र ओला तो बिल्कुल सही आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल शरीफ आदमी है ये, इसको कोई मतलब, विजेंद्र ओला शरीफ आदमी है ये, बिल्कुल ठीक है ना। इसके ऊपर कोई लाछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। सिर्फ एक SDM ने एक चीज के ऊपर लाछ लगाया था कि हम 5 लाख रुपए रिश्वत दो, हमको मंत्री को भी देने पड़ते हैं, हमको टोडासरों को भी देने पड़ते हैं, उस SDM को उन्होंने IPO कर दिया। विजेंद्र ओला कोई शरीफ आदमी है बिल्कुल। हम इनसे बात कर लेते, क्या कोई विकास काम क्या करवाएंगे? अरे पूरा विकास काम हुआ है, ये तो सब बकवास कर रहे हैं। झुंझुनू में जितना विकास हुआ हुआ कहीं पर भी नहीं हुआ है। अब आप क्यों बोल रहे हो? अरे बात तो आपको भी कह सकते कि आप भी आप क्यों बोल रहे हो? अरे झुंझुनू में जितना विकास हुआ है उतना विकास कहीं पर भी नहीं हुआ है, और इनको तो कोई बस नहीं चलता है। झुंझुनू के अंदर तो वोट मिलेंगे जो मिलेंगे, 60,000 से कम वो विजेंद्र ओला जीतेगा। क्या क्या काम करवाए विजेंद्र ओला ने खास? सड़कों का काम किया है, सबको काम किया है, एकदम इस जैसा बंदा ही नहीं है राजनीतिक केंद्र, ये देख लो आप, इतना जैसा ऐसा कोई बंदा नहीं है। आ जाओ, ये हमारे साथ और लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर आप बताएं। मैं सुभाष चंद्र सैनी, विजेंद्र जी ओला के विधायक हैं, वो एक नंबर के झुंझुनू के अंदर एक नंबर के विधायक हैं। दूसरी बात यह है, गहलोत सरकार ने जो काम राजस्थान के अंदर करवाए हैं वो एक नंबर के काम करावे, ऐसे लोगों के मरे हुए जानवरों के 40,000 रुपए इनके मिले, 100 यूनिट गहलोत सरकार फ्री दे रही है, बसों के अंदर महिलाओं का आधा किराया लग रहा है। गहलोत सरकार में आज तक
आज तक इतने जो काम हुए गहलोत सरकार में आज तक कभी काम नहीं हुए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोबारा कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो योजनाएं जो चल रही है वो धरातल पे कायम रहे, मेरा यही कहना है। बिजेंद्र ओला ने क्या खास काम कराए झुंझुनू विधानसभा के? बिजेंद्र ओला जी ने झुंझुनू के अंदर जो काम करवाए हैं नगर पालिका के क्षेत्र में या गांव के क्षेत्र में, वो सारे के सारे बढ़िया काम है। उनका कोई भी कोई तरीका किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। उनका जो कंपटीशन में आएंगे वो बीजेपी है, न कि ये और कोई पार्टी है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। आप बताइए कि शहर के लोग हैं आप, क्या मैं तो ओल्डनगंज आ रहा हूँ। बिजेंद्र जी ओला, यहाँ 200 सीट है, 200 में 199 से 21 है। ये काम कुछ नहीं करवाया इन्होंने, लेकिन ये सहानुभूति है, ये न किसी के काम में आते हैं न किसी के दाग में जाते हैं, और सिर्फ मोमडन के काम में जरूर आते हैं, दिवाली ईद पे जाते हैं, दिवाली पे बाजार के अंदर नहीं आते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। हमने देखा आज पूरे झुंझुनू विधानसभा में घूमकर और कैसे जाना कि मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो बिजेंद्र ओला को लेकर है, लेकिन काफ़ी लोग हैं उनके काम से संतुष्ट हैं, उनके स्वभाव से संतुष्ट हैं, और वे मानते हैं कि जो समीकरण है जातिगत समीकरण है या कोई भी अन्य समीकरण है, उस हिसाब से बिजेंद्र ओला काफ़ी मजबूत है यहाँ पर, और विकास कार्य जो करवाए हैं उनको ऐतिहासिक उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने बताया। संदीप केड़िया, जी मीडिया, झुंझुनू।